नमस्कार मित्रों, आपका विवेक वर्ल्ड पावर में स्वागत है। आज से हम स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित व्यक्तित्व विकास की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, हम तो ये देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने की बात यह कि हर व्यक्ति अपना प्रभाव डालना चाहता है, और ये जो प्रभाव डालने का प्रयास है कई प्रकार से, यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर को चलाने में उपयोग में आता है, और बाकी का जो अंश है वह रात दिन केवल दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में ही लगा रहता है, उसी में व्यस्त होता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि और हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार इसके उल्टे दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। हमारे आसपास भी यही चल रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। एक मनुष्य आपके पास आता है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा बहुत ही सुंदर है, अलंकार से परिपूर्ण है, आपसे घंटों बात करता है तो भी वह आप पे कोई असर नहीं छोड़ पाता है। लेकिन दूसरी ओर एक व्यक्ति और आता है, वो कुछ चयनित शब्द ही बोलता है, और बोलता भी ऐसे है कि वो शब्द न तो व्याकरण के अनुसार होते हैं और न ही वो व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद भी वो शब्द हमारे ऊपर इतना असर डाल जाते हैं कि हम कई दिनों तक उसके प्रभाव में प्रभावित रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभाव केवल शब्दों में नहीं होता, विचार में भी नहीं होता, ये प्रभाव होता है एक ऐसे व्यक्तित्व के चुंबकत्व में जिसके कारण से ऐसा होता है। तो यह जो व्यक्तित्व है इसी को प्रकट करना हमारे जीवन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। मनुष्य को व्यक्ति कहा जाता है। यदि शास्त्र सम्मत परिभाषा की बात करें तो व्यक्ति वह है जो अपने आप को व्यक्त कर सके। हम क्या हैं, इसके लिए हम एक पंक्ति का यहाँ प्रयोग करते हैं, और वो पंक्ति है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये जिसका शरीर है वही वास्तव में व्यक्तित्व है, और उस दिव्यता को प्रकट करना ही व्यक्ति कहलाने का सच्चा अधिकारी हो जाता है। हम लोगों के कुटुंबों में भी मुखिया होते हैं। कई मुखिया ऐसे होते हैं जो घर चलाने में असफल होते हैं, उनके घर में अशांति भी रहती है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा चला पाते हैं, जिससे सब संतुष्ट होते हैं, जिसके फैसले को सर्वमान्य किया जाता है, और दूसरा उनके द्वारा किए गए फैसले को सब स्वीकार भी करते हैं। इसका केवल और केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि उनका मन निर्मल है और उन्होंने अपने व्यक्तित्व का भलीभांति विकास कर लिया है। ये जो व्यक्तित्व का विकास है यही मूल रूप से हमारी संपदा होती है, संपत्ति होती है, जो वर्तमान समय भी होती है और हमारे साथ भी और हमारे जाने के बाद भी। तो हम इस विषय पे ये निर्विवादित रूप से कह सकते हैं कि जो लोग केवल धन, बल या दूसरी ऐसी वस्तुओं के संग्रह में या उसे बढ़ाने में लगे रहते हैं जो उसके कारण से दूसरों पर प्रभाव डाल सके, इससे बेहतर है कि वो कम से कम कुछ समय इस बात के लिए अवश्य दें कि अपना व्यक्तित्व निखारें, उसे अच्छा बनाएं। इसके लिए हमारे देश के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास इतने विद्वान हैं, इतने मनीषी हैं कि जिनको देख के, सुन के, जान के हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उनके आदर्शों का, उनके शब्दों का, उनकी भाषा का, और उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का अपने जीवन में आचरण में उतार करके, उसको चरित्र में ढाल करके, साकार करके हम पूरी तरह से व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। यही है शिक्षा का भी उद्देश्य। शिक्षा जैसे जीविकोपार्जन के लिए योग्य बनाती है, वैसे ही व्यक्तित्व के लिए हमें स्वयं अपने आप को बनाना होगा। जब हम बनाएंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। हम ये भी जानते हैं अतीत काल में कई लोक नायक ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसी रचनाएं कर दी है जो कालजयी हो गई हैं। जो बात 500 वर्ष पहले लिखी गई थी वो आज भी प्रासंगिक है, 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी वो भी आज प्रासंगिक है। ऐसा केवल और केवल इसलिए है क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत पावन था और उन्होंने अपने व्यक्तित्व का सटीक निर्माण किया है। मित्रों, मैं व्यक्तित्व के विषय में अब जो भी कुछ आपसे बातचीत करूंगा वह स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ओतप्रोत होगी, और इसमें कोई संशय नहीं है कि संपूर्ण विश्व के लिए स्वामी विवेकानंद एक ऐसे आदर्श हैं जिन्हें ज्ञान की खान कहा जा सकता है, उनको एक आदर्श व्यक्तित्व भी कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद केवल सन्यासी नहीं है, वो एक योद्धा सन्यासी है, व्यक्तित्व के पुरोधा हैं, ज्ञान के असीमित भंडार हैं, और राष्ट्र चिंतन और राष्ट्रभक्ति के वो मानदंड हैं जिन्होंने कितने देशभक्त पैदा किए हैं, उनकी प्रेरणा से देशभक्त बने हैं, और आज हम
पूरे विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। भारत का आज विश्व पटल पर जो स्थान है वो हमारे सुंदर व्यक्तित्व की वजह से ही है। यह एक व्यक्तित्व की श्रृंखला आप सबको निवेदित करूंगा, मैं शुरू करूंगा। इस श्रृंखला में व्यक्तित्व किस प्रकार से बनता है, कैसे उसे संजो के रखा जाए और कौन कौन से तरीके इसके लिए हमें अपनाने चाहिए, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। और हमारी शिक्षा का जो एकमेव उद्देश्य है वो है मनुष्य का निर्माण करना। मनुष्य का निर्माण करना अर्थात व्यक्तित्व का इस प्रकार निर्माण करना कि व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होने लगे, यही है हमारा एक उद्देश्य। इसमें कोई अन्य रंग ना चढ़े, मनुष्य का विकास करना, मनुष्य बनना, मनुष्य बनाना, यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने संक्षिप्त शब्दों में मैंने इन विचारों को व्यक्त किया है। यदि ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो अपने जीवन का एक उत्कर्ष देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपने फलते फूलते उस शानदार व्यक्तित्व को जो भगवान ने हमें, ईश्वर ने, मालिक ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने हमें प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।